हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वन है आपका रिसोर्सेज, और ये आपकी वर्कशीट नंबर वन है सोशल साइंस की फोर क्लास एट्थ। और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए 5 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। जैसा कि आपको पता है, फिर से ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और फिर से आपको अपनी वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। लास्ट ईयर भी आपने जो है सारी वर्कशीट अपनी कॉपीज़ में सॉल्व की थी, तो आपको अच्छे से पता है बेटा किस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कॉपीज़ में सॉल्व करनी है और फिर अपनी टीचर के पास उसको सेंड करना है चेक होने के लिए। ठीक है, तो अभी हम वर्कशीट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है उनकी नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। सो ये जो वर्कशीट है ये आपकी पहले वाली ही वर्कशीट है, वहाँ से भी आप इनको कर सकते हो। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। ओके, activity given है, look around you and list all the substances of your surroundings in the following table। तो आपको बच्चे जो ये टेबल गिवन है इसमें एक एक एग्जाम्पल गिवन है और साथ में आपको और भी यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो देखिए क्या गिवन है, सब्सटांस यूज फॉर मेकिंग अ हाउस। ओके, तो जो भी सब्सटांस है वो यहाँ पर लिखने हैं जो कि घर में, जो घर बनाने में हम उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्रिक है, अब ब्रिक क्या होती है, ईंट। तो ईंट जो है वो किसकी बनी है, ब्रिक, सॉयल। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर डोर, ठीक है ना, तो डोर जो है वो किसका बना है, वुड का बना है, जिसको हम घर बनाने में प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल लीजिए, लिविंग जो है बेडरूम सब्सटेंसेस, यानी घर में जो सामग्री यूज होती है, हमारे बेडरूम में जो सामग्री यूज होती है उसमें क्या है, एग्जाम्पल आपको बेड का एग्जाम्पल है, तो बेड किससे बना, वुड से बना। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो, जैसे चेयर है, तो चेयर भी किसकी बनी है, चेयर भी जो है वुड की बनी है। इसमें बच्चों आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और क्या हो सकता है, अलमीरा, अलमीरा जो है वो किससे बनी है, अलमीरा यहाँ पर आयरन से मिलके बनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किचन वेयर या वॉशरूम सब्सटेंस एंड इट्स मटीरियल। तो जो किचन में सब्सटेंस यूज होते हैं या जो वॉशरूम में यूज किए जाते हैं, लाइक किचन में क्या है, स्पून, स्पून जो है किसकी बनी है, स्टील की बनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मग हम यूज करते हैं, मग जो है वो किसका होगा, प्लास्टिक का होगा। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट, फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, तो ग्रो नेचुरली वो क्या है, राइस। इसके अलावा एग जो है, एग हमें कहाँ से मिलेगा, हैन से मिलेगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर, लाइक कॉटन, कॉटन जो है वो उससे हम क्या बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों सिल्क, सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये भी हम नेचुरली जो है हमें मिलेगा सिल्क वॉर्म। ओके, एनी अदर सब्सटेंस लाइक फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल जो है उससे हमें क्या मिला, पेट्रोल मिला, डीजल मिला। उसके अलावा हम फ्यूल में सीएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। नंबर टू पॉइंट गिवन है बच्चों, नाउ कैटेगराइज सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू टू ग्रुप। अब हमने जो सब्सटेंसेस ऊपर लिखे थे उनको हमें कैटेगराइज में डिवाइड करना है, और कौन सी कैटेगरी में, सब्सटेंस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसे सब्सटेंस जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, एंड सब्सटेंसेज नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, या जिनके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। तो बच्चों देखिए जैसे वुड है, तो वुड जो है वो हमें इजिली फॉरेस्ट से मिल जाती है, तो उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, जिसके लिए उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वुड से हम जो है यहाँ पर मान लीजिए हमने बेड बना दिया, या उसके लिए हमने उसको, उसके हमने अलमीरा बना दी है, तो यानी इनका क्या होगा, इनके हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। उसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल लीजिए, सॉयल है, सॉयल की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, सॉयल के लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन सॉयल से जब हम यहाँ पर किसी तरह की कोई डेकोरेटिव आइटम बना लेते हैं, ठीक है, डेकोरेटिव पीस, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, या आइडॉल बना लेते हैं मूर्तियां, तो इनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो है होगा, इसके अलावा बच्चों देखिए जो सिल्क है, सिल्क वॉर्म से हमें क्या बनेगा, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलेगा, तो इस जो सिल्क है
इसके लिए हमें सिल्क वॉर्म को कोई पैसे तो नहीं देने पड़ते, तो इसकी जो है कोई इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जब सिल्क से एक साड़ी जो है वो बन जाएगी तब इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी और उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट क्या है, डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पोर्टेंट, गिव रीजन। तो क्या आप मानते हो कि ये दोनों चीजें जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है और जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, तो क्या ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर रीजन देना है। सो बच्चों, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर देखो रॉ मटेरियल नहीं होगा, जैसे अगर वुड नहीं है तो हम जो है बेड, अलमीरा और ये सब चीजें नहीं बना पाएंगे। सॉयल नहीं होगी तो उसको यूज करके हम ब्रिक नहीं बना सकते, आइडॉल्स नहीं बना सकते, कोई पीस, डेकोरेटिव पीस नहीं बना सकते। तो इस तरह से, यानी अगर रॉ मटेरियल होगा तभी हम कोई रिसोर्स जो है उससे बना सकते हैं। सो यहाँ पर दोनों ही जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो आप देख लीजिए। सो ये इसका आंसर रहेगा, बोथ टाइप्स ऑफ मटेरियल आर नेसेसरी फॉर अस बिकॉज रॉ मटेरियल, न्यू मटेरियल आर मेड ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, सच एज क्ले, वुड, यूजिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी। सो इफ यू डोंट हैव रॉ मटेरियल देन वी कैन नॉट मेक न्यू मटेरियल। तो जो भी न्यू मटेरियल हम बनाते हैं उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो जरूर चाहिए, और उसमें हम फिर टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हम नया रिसोर्स जो है वो बनाते हैं। तो ये इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। सो ये जो टाइम और टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये मेन इम्पोर्टेंट टू जो है कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिनल प्लांट ग्रोइंग इन द डेंस फॉरेस्ट इज ऑफ नो यूज फॉर अस। बच्चों, जैसे कि कोई भी मेडिसिनल प्लांट है जो कि फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है, जिसका जो हमारे लिए किसी यूज का नहीं है और उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, समय के साथ क्या होगा, अगर कोई मेडिकल फॉर्म यानी जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो उससे क्या बना लेती हैं, दे प्रिपेयर सम मेडिसन, उससे दवाइयां बना लेती है एंड गॉट इट पेटेंट, और पेटेंट करवा लेती हैं उसको एंड इज अवेलेबल फॉर आवर यूज, इट बिकम ए रिसोर्स, और फिर हम उस दवाई का यूज करते हैं, मेडिसन का यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो रिसोर्स बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, यानी जिस प्लांट का, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तुलसी है, तुलसी को अगर हम जो है ऐसे ही यूज करते हैं तो उसके लिए हम अगर तुलसी का प्लांट लगाते हैं, उसका यूज करते हैं, उसकी हमारे लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर कोई मेडिकल फार्म उस तुलसी का यूज करती है और उससे दवाइयां बनाती है, तो वो दवाई खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो यानी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो एक रिसोर्स में बदल गई, और उसका उस कंपनी ने क्या करा लिया, उसको पेटेंट करा लिया। बच्चों, यहाँ पर पेटेंट का मतलब क्या है, पेटेंट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नई चीज खोजते हैं, नई चीज डिस्कवर करते हैं, तो उस जिसने उसको डिस्कवर किया है उसके नाम पर वो चीज हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ये कह सकता है कि ये चीज मैंने डिस्कवर करी या इस चीज के बारे में मैंने पता लगाया, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम बल्ब का देखें, तो बल्ब जो है, बल्ब का जो इन्वेंशन किसने किया था, थॉमस एडिसन ने जो है बल्ब का इन्वेंशन किया। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कह देंगे कि बल्ब हमने जो है इन्वेंट किया, तो ऐसा नहीं है। जब भी बल्ब के इन्वेंशन की बात आएगी, थॉमस एडिसन का नाम आएगा, क्योंकि जो बल्ब है वो उनके नाम पे पेटेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी नई चीज जब नया रिसोर्स बनता है, तो वो जो है किसी ना किसी के नाम पर पेटेंट होता है, ताकि उसका कोई जो है गलत यूज ना कर सके, अपना नाम उसको ना दे सके। अब देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो बच्चों, टेक्नोलॉजी सबको पता है, नई नई चीजें हम खोजते रहते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और उनसे हमें जो लेटेस्ट नॉलेज है उसका अप्लाई करते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारी लाइफ वो बहुत इजी हो गई है, जैसे कि फ्रिज है, ये सब चीजें पहले नहीं थी, जो टेक्नोलॉजी के कारण अब हम उनका यूज कर रहे हैं, टीवी, मोबाइल, ये सभी चीजें इसका एग्जाम्पल रहेंगी।
नेक्स्ट क्या है? पेटेंट। तो पेटेंट हमने समझ लिया क्या होता है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इनोवेशन। कोई भी नया इनोवेशन है, कोई भी नया आइडिया है, वो उसका जिसने उसको इन्वेंट किया है उसका उसके ऊपर क्या है, राइट है, एक अधिकार है, तो वो क्या होता है, पेटेंट होता है। अब देखिए नंबर थर्ड क्या है, नाउ आस्क योर एल्डर फैमिली मेंबर्स अबाउट फ्यू सब्सटेंसेस विच यू आर यूजिंग नाउ बट वर नॉट अवेलेबल व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अब आप अपने एल्डर से, अपने घर में फैमिली मेंबर से पूछकर ये पता लगाइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आप अब यूज कर रहे हो, लेकिन जब वो आपकी एज में थे तब वो यूज नहीं करते थे। तो हमने अभी देखा, जैसे देखिए फ्रिज है, फ्रिज का यूज अब हम कर रहे हैं, पहले नहीं होती थी। टीवी है, ठीक है, उसके अलावा और एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, बहुत सारे। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एसी, एयर कंडीशन, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल। तो बच्चों ये जो बनाया है पॉसिबल, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनसे ये चीज पॉसिबल हुई है, तो हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी और टाइम। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने इसको ऐसा पॉसिबल किया है कि हम किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। सो आप यहाँ पर लिखेंगे टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ओके, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जिन्होंने जो थिंग्स हैं उनको रिसोर्स में कन्वर्ट किया है। उसके बाद आप आगे जो है आपको दिया गया है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव एक्टिविटीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए सब्सटेंस बिकमिंग अ रिसोर्स। यानी आपके अनुसार कौन सी ऐसी मेन फीचर्स हैं जिनसे जो रिसोर्स, जो सब्सटेंसेस हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए, कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे किसी भी जो सब्सटेंस है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करें हम। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए। सो बच्चों ये आंसर लिखेंगे आप, टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू रिसोर्स इट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो है कुछ उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, इट मस्ट बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। यानी अगर हम कोई भी नई चीज डिस्कवर करते हैं तो उसका ह्यूमन बींग के लिए, हमारे लिए बेनिफिट होना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं होगा तो वो रिसोर्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड ह्यूमन नीड्स। तो ये जो है ह्यूमन नीड्स यानी हमारी जरूरतों को पूरा उसको करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच चेंज सब्सटेंसेस इनटू अ रिसोर्स एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं बच्चों जिनसे जो सब्सटेंस है वो रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है। सो इस तरह से आप बच्चों आंसर टू लिखेंगे, टाइम एंड टेक्निक आर द टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्स। तो टाइम और टेक्निक ये दो मेन फैक्टर हैं जिनसे कोई भी कंपोनेंट जो है वो रिसोर्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल ए कारपेंटर गेट कन्वर्ट अ सिंपल वुड इनटू ब्यूटीफुल फर्नीचर। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो बच्चों कि जो कारपेंटर है वो जो है क्या करता है, सिंपल वुड को एक बहुत सुंदर फर्नीचर में बदल देते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो मूर्तिकार हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो मिट्टी से, सॉयल से बहुत सुंदर सुंदर आइडल्स जो है वो फॉर्म कर देते हैं। तो ये इसका एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, कैटेगराइज द सब्सटेंस यू लिस्टेड इन योर टेबल वन इन टू। तो बच्चों आपने जो टेबल वन हमने की थी उसमें जो सब्सटेंस थे उनको कैटेगराइज करना है। फर्स्ट क्या है, सब्सटेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी जो सब्सटेंस हमें नेचर से मिले हैं एंड विच आर मेड बाय अस। तो देखिए जो नेचर से मिला है सबसे पहले वो क्या लिखा था हमने, वुड लिखा। तो वुड से जो है नेचर से हमें वुड मिली और फिर उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने बच्चों यहाँ पर लिखी, यहाँ पर हमने डोर यहाँ पर फॉर्म किया। उसके अलावा मैन मेड और क्या हो सकता है, अलमीरा। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें जो है दीज आर मैन मेड। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लाइक सॉयल, सॉयल से हमने क्या फॉर्म किया, सॉयल एक जो है ऐसा सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिला है बट हमने इससे क्या बना दी, हमने इससे ब्रिक फॉर्म की, ओके। इसके अलावा हम इससे आइडॉल्स बना सकते हैं,
ठीक। उसके अलावा और भी बच्चों आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक सिल्क। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिली, नेचर से मिली, और हमने उसकी क्या बनाई, हमने उसकी साड़ी बना दी। ओके उसके अलावा लाइक कॉटन, ओके एंड हमने उससे क्या फॉर्म किया, शर्ट। सो ये जो है एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों कि किस तरह से आप उन सब्सटेंस को कैटेगराइज कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।